इंडियन रेल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके, आई मेक द डे व्लॉग्स ऑन माय मोबाइल। ओके, बट आज पहली बार आई एम शूटिंग माय डेली व्लॉग विद माय कैमरा। इसी ट्रेन से मैं आया था। एक चीज बहुत मस्त लगा, ट्रेन के अंदर मैं ब्लॉग कर रहा था। 1, 2, 3, 4 एंड पीछे सबसे जो बदमाश लड़का है शोभिक एंड दिस इज फिफ्थ वन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरू हो चुका है अनदर ब्यूटीफुल डे और आज है संडे। तो एज यूजुअल संडे सुबह सभी का छुट्टी रहता है बट मेरा रहता है ऑफिस, सो आई एम ऑन द वे ऑफ द ऑफिस। तो वैसे मुझको जाना है ट्रेन स्टेशन, तो चलो। तो बस सीन कुछ ऐसा है, आई गो टू ट्रेन स्टेशन, ऐसे 3 से 4 मिनट लगता है विद दिस वैन। ओके, ये एक लोकल ट्रांसपोर्ट है, अराउंड 10 रुपीज लगता है, 10 रुपये में 4-5 मिनट में पहुँच जाता हूँ लोकल ट्रेन में। और खास ज़्यादा दूर नहीं है, ट्रेन में भी 20 से 25 मिनट लगता है टू रीच दमदम घोड़ा बाजार। तो एज आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, बट एक्चुअली बहुत अजीब लगता है जब मैं रास्ते से चलता हूँ ना, तो सनग्लास पहना हूँ, देख रहा हूँ कौन क्या देख रहा है। ट्रस्ट मी, एक्चुअली वी विल नॉट यूज टू। मैं जहाँ पर रहता हूँ शहर से जस्ट 20 से 25 मिनट दूर, पीपल आर नॉट यूज टू अबाउट द व्लॉगिंग एंड ऑल दिस स्टफ्स। तो क्या होता है, सभी ऐसे देख रहे हैं चलो या क्या चल रहा है। एक बंदा एक कैमरा को ऑन करके कैमरा के लेंस की तरफ देख कर बक 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 कर रहा है। बट एक्चुअली ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो लोकेलिटी में, कैमरा को ऑन करो, सामने देखो, बात करते रहो। मैक्सिमम पीपल दे डोंट नो व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, व्हाट इज़ ब्लॉग। अभी भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है मेरा एरिया में, शायद कुछ साल बाद ब्लॉगिंग भी फेमस। तो दिस इज़ द रेल काउंटर। मैं टिकट खरीद चुका हूँ और लास्ट 10 मिनट से स्टेशन मीन स्ट्रेट डोरी में मैं इंतजार कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, इंडियन रेल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, एक्चुअली देखिए 10 मिनट बाद ट्रेन का टाइम ओवर हो चुका है, 10 से 15 मिनट हो चुका है, इतना लेट करके ट्रेन आता है। एक्चुअली ये लोकल ट्रेन का इशू ये सिर्फ कोलकाता में नहीं है, आई पर्सनल थिंक दैट इंडिया में हर जगह पे एक ही है। लोकल ट्रेन कभी भी टाइम पे नहीं आता है, आउट ऑफ 100% 90% टाइम में इट मिस्टर द ट्रेन शेड्यूल टाइम, और 10% टाइम शायद किस्मत जिन लोगों का अच्छा होता है वो लोग टाइम में ट्रेन मिल जाता है। पर एक्चुअली मेरा ऑफिस में क्लास है अराउंड 9:30, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, जाना है उसके बाद भाग भाग में क्लास जाना है। बट इट्स ओके, चलिए देखते हैं आगे का सीन क्या है। तो माय फ्रेंड्स, सो एट लास्ट मैं चढ़ चुका हूँ ट्रेन पे। यूजुअली पहले क्या होता था, आई टू गो टू माय ऑफिस विद माय बाइक, बट नाउ इट इज बिकॉज विंटर बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह बाइक चलाना भी थोड़ा सा दिक्कत है, तो बाइक को मैं अवॉइड कर रहा हूँ और जा रहा हूँ लोकल ट्रेन से। ज़्यादा ईजी होता है बिकॉज यू नो जिस बाइक बाइक से लगभग 1 घंटा लग जाता है, ट्रेन से वही डिस्टेंस 20-25 मिनट से डिस्टेंस कवर हो जाता है। और सिर्फ बाइक में लगता था 50 रुपये से ट्रेन में लगता है सिर्फ 5 रुपये का टिकट, आना जाना 10 रुपये में कंप्लीट। सो ये ट्रेन का सीन है। सुबह सुबह आज संडे है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, जस्ट बैठने का जगह नहीं है, बट आई गॉट अ कंफर्टेबल प्लेस टू स्टैंड अप एंड यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों के साथ बात करते करते खूब सा जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा ऑफिस। सो ऑफिस का जो स्टेशन है दैट इज़ द घोड़ा बाजार, मीन्स कैंटनमेंट घोड़ा बाजार। तो वहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, बट यूजुअली आई टेक रिक्शो और समटाइम्स आई जस्ट वॉक ऑल्सो फ्रॉम देयर। सो आज रिक्शो नहीं लेना है, जैसे आप लोगों के साथ बात करके करते करते पहुँचना है, क्योंकि आज मैं कैरी कर रहा हूँ मेरा कैमरा। यूजुअली मैं जब डे व्लॉग करता हूँ, आई मेक द डे व्लॉग्स ऑन माई मोबाइल। ओके, बट आज पहली बार आई एम शूटिंग माई डेली व्लॉग विथ माई कैमरा, सो फॉर गेटिंग द गुड वॉइस, बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट कैमरा
कैमरा का प्रॉब्लम क्या होता है, नॉइस एम्बियंस का साउंड बहुत ले लेता है, बिकॉज आउटडोर में शूट करना दैट्स बिट ऑफ डिफिकल्ट. बट यूजिंग द कैमरा विद द एक्सटर्नल माइक वी गेट द बिट ऑफ यू नो जस्ट लाइक गुड एंड क्रिस्पी साउंड टू. तो चलिए पहले पहुँचते हैं ऑफिस का स्टेशन. तो भैया मैं पहुँच गया हूँ मेरा ऑफिस का नियर बाई स्टेशन दैट इज़ कैंटोनमेंट, और इसी ट्रेन से मैं आया था. एक चीज़ बहुत मस्त लगा, ट्रेन के अंदर मैं ब्लॉग कर रहा था, मैं शूटिंग इन द इनसाइड ऑफ द ब्लॉग, तो अचानक से कुछ अंकल लोग वेरी नाइस, वो लोग बात कर रहे थे, पत्ते पत्ते खेल रहे थे. पर जब भी मैंने कैमरा को ऑन किया सभी जस्ट चुप होकर देख रहे थे व्हाट आई वाज सेइंग, व्हाट आई वाज डूइंग. तो दैट्स वेरी नाइस. एक्चुअली मैं रिएक्शन देखना चाहता था. इसके बाद मैं जो कैमरा बंद किया तब वो लोग पूछना चाहते थे जस्ट लाइक यू क्या, बट होता था पहले आई वॉज स्पीकिंग इन हिंदी और इंग्लिश. सो एक्चुअली एक चीज़ दिखा देता हूँ, दिस इज़ द लोकल काली माता जी का टेम्पल. तो माता जी से आशीर्वाद पहले ले लेते हैं. हे माँ चैनल को थोड़ा सा हिट करवा दो, ऐसे क्या आशीर्वाद मिलता है, डोंट थिंक सो. ओके जहाँ पर था, तो इन द इनसाइड ऑफ द ट्रेन जब मैं आप लोगों के साथ बात ख़त्म करके कैमरा को ऑफ किया, देन सडनली कुछ देर तक उस लोगों ने कुछ नहीं पूछा. उसके बाद उन लोगों ने पूछा, बिकॉज माई लोकल लैंग्वेज इज़ हिंदी, माई लोकल लैंग्वेज इज़ बंगाली, माई मदर टंग इज़ बंगाली, और सभी कोलकाता का बंगाली लोग हैं. एंड मैं हिंदी में बात कर रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश. सो सोचा आई एम ऑल्सो आई मे बी आई डोंट नो हिंद बंगाली एंड ऑल. वो लोग कोशिश कर रहे थे टूटा फूटा हिंदी, मेरा भी हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, दे बट दे आर ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी. पूछ रहा था बेटा तुम ये क्या किस बात का शूटिंग है, बट मैंने बोला अंकल ये कोई शूटिंग मूटिंग नहीं है, आई एम शूटिंग माई सेल्फ. तो खुद को शूट कर रहे हो ये कौन सा शूट है, शूटिंग तो होता है सीरियल है सिनेमा है, ये कौन सा शूटिंग है. तो मैंने समझाया दिस इज़ ब्लॉग एंड ऑल. उसके बाद उन्होंने देखना चाहते कौन सा चैनल में, कौन सा टीवी चैनल में आपका शो आता है. मैं बोला ये कोई टीवी चैनल नहीं है, ये यूट्यूब चैनल है. तो उसके बाद फ़ोन को ऑन करके मैंने दिखाया, वो लोग भी अपना स्मार्टफोन सभी के पास है, दे सम ऑफ देम हैड द स्मार्टफोन, वो सब ने अपना अपना स्मार्टफोन निकाला, सर्च किया मेरा चैनल, दे गॉट इट एंड दे सब्सक्राइब इट. तो देखो लोकल ट्रांसपोर्ट में ब्लॉग करने का ये बहुत बढ़िया सा एडवांटेज है, आपको इंस्टेंट बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब भी करवा देना है. तो दैट आई डिड. सुबह का टाइम है, हॉकर्स एक्चुअली इंडिया का ट्रेडिशन है, लोकल गली में ऐसे बहुत सारे स्ट्रीट हॉकर्स भी आपको मिल जाते हैं, दे सेल दे बाई. होता है ना पुराने, ये है एक नया टाइप ऑफ इंजन वैन, मीन्स ये है लोकल नॉर्मल वैन जो मैनुअली लोग चलाते हैं पुल करते हैं, और वाला जो इंजन वैन है दैट इज़ पुल्ड बाई इंजन, जो छोटे जो मोटर टाइप ऑफ इंजन होते हैं उस पर लगा कर चलाते हैं. तो यही है पब्लिक प्लेस में जब ब्लॉक करते हो आप, ट्रेन में बस में, ट्रेन बस में पहले भी मैंने व्लॉग किया है, बट टुडे आई वॉज अलोन, आई वॉज मेकिंग वीडियोज़ ऑन माई सेल्फ इन फ्रंट इन द क्राउड ऑफ ट्रेन. बहुत मज़ा आ गया, ट्रस्ट मी आई एन्जॉय अ लॉट विद दिस ट्रेन वाला व्लॉगिंग एक्सपीरियंस. तो एट लास्ट चलते चलते आ चुका हूँ ऑफिस, बट अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट इज़ नॉट वर्किंग, सो सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ, थर्ड फ्लोर में है, बट इट्स ओके फाइन. एक्चुअली सुबह सुबह ये थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाता है, यूजली मेरा एक्सरसाइज इतना नहीं होता है, सोचता हूँ जिम टीम ज्वाइन कर लूँ, पर सोचना और करने के बीच में एक बहुत ज़्यादा गैप है, तो येट आई एम अनेबल टू फुलफिल द गैप. तो चलिए बहुत बकबक हो चुका है, ऑलरेडी गेटिंग लेट, और लेट मी गेट इनसाइड ऑफ माई ऑफिस. मॉर्निंग नैन्सी. ओके कौन कोई स्टूडेंट अभी तक शायद नहीं आया है, चलिए मैं ही थोड़ा सा जल्दी आ चुका हूँ. आई केम बिट ऑफ अर्ली. ओके दिस इज माई क्लास रूम इन गुरुकुल. ये पूरा क्लास में स्टूडेंट लोग बैठते हैं, चेयर्स टेबल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड दिस इज द वाइट बोर्ड ओवर हियर. पर
let the students come, then I'll start again to talk. So already this is our class. You can see all my students arrived over here. 1, 2, 3, 4 and piche sabse jo badmash ladka hai Shobhik, and this is the fifth one. Actually now we are doing the konsa class kar rahe hain hum log? Konsa class? GD means we are doing the spoken English class right now, and already we got a group discussion topic. I'm going to topic about the science friction. So right now we are going to perform, they are going to perform the group discussion. Let's see how can they do it. So friends, class khatam ho chuka hai aaj ka. So now I'm leaving from here, and so I want to say goodbye. Ye hum log ka acting class chal raha hai. Aniket, say hi. Hello. Hi. Ma'am, say hi. Hello. Hi. Okay, ye wala class bhi khatam. Time pe pahunche jao. Okay, chalo bye. Bye. So chaliye, class aaj ka schedule khatam ho chuka hai almost. So abhi jana hai. Kahan? Don't have to go anywhere for the class. Now it's time to go office, go home. So abhi main ja raha hu to the local station, means train station. Jaise main aaya to aise hi main ghar wapas ja raha hu. But ek cheez main aap logo ke sath share karna chahta hu. That is kuch dino se, for last few days, trust me, life is becoming so much frustrated. Kyun ye frustration? That is frustration ka reason hai के कुछ दिनों से कोई कहीं पर भी घूमने नहीं गया. एक्चुअली विंटर का टाइम होता है फॉर द आउटिंग, फॉर द फन. लास्ट ईयर इस टाइम में मैं नेपाल में था. क्या कमाल का जर्नी था नेपाल में. पर इस बार विंटर ऐसे ही जा रहा है बट नॉट हैविंग एनी एडवेंचरस टूर. एक्चुअली घूमने जाना ये भी एक किस्मत होता है. मीन्स दिल चाह रहा है बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. एक्चुअली मैं एम नॉट अ फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर. बहुत सारे काम रहते हैं. दिसंबर में सोचा था दैट लोकल कुछ जगह ट्रैवल करना है, लाइक सुंदरबन, लाइक शांतिनिकेतन. बट अनफॉर्चुनेटली जिसके साथ जाना था, दैट आई वॉन्टेड टू गो विथ द पर्सन, उसने धोखा दे दिया. मीन्स ही इज़ अनदर ब्लॉगर. पता है ना, जस्ट लाइक पहले तो हाँ हाँ बोल रहा था, ये जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. बट उसके बाद जब टाइम आया जाने का वक्त, ही सेड ही कांट गो ड्यू टू सम इश्यूज. तो क्या हो जाता है ना, जस्ट लाइक जब आप इंटरनेशनल ट्रेवल करते हो, दैट यू कैन एक्सप्लोर एनीथिंग अलोन. लोकल या घर के आसपास ही जाते हो, यू नीड समवन दैट उसके साथ प्लान किया. इसलिए आई डोंट गो एनी वेयर विद एनी वन, बिकॉज अब किसी के साथ अगर प्लान करोगे तो प्लान तो चौपट हो ही जाएगा. तो अकेला घूमना, दैट इज़ अ बेस्ट सोल्यूशन, आई पर्सनल थिंग. तो यही है नेक्स्ट. अब कुछ दिन से आई एम मेकिंग सम प्लान, वॉचिंग सम रिव्यूज ऑफ सम कंट्रीज. लेट्स सी वेयर आई कैन एक्सप्लोर. बट अभी स्टूडेंट लोगों का एग्जामिनेशन का टाइम है. एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अभी नया सेशन शुरू हुआ है, तो अभी जाना बहुत सारे लिटिल बिट ऑफ दिक्कत है. तो चलिए दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ इन द ट्रेन स्टेशन. अभी ट्रेन का इंतज़ार करना है. एंड एक्चुअली यहाँ से नहीं, मुझे क्रॉस करके उस वाले प्लेटफॉर्म में जाना है. यू कैन सी दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म एंड दिस इज़ अनदर प्लेटफॉर्म. बट इस पर नहीं उससे जाना, बट कैसे जाए. एक्चुअली जो फुट ब्रिज है वैसे बहुत दूर है, ये ट्रैक को क्रॉस करके जाना भी ठीक नहीं है, लिटिल बिट रिस्की. तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो के यहाँ पर पॉज करता हूँ, ऑफ करता हूँ, चढ़ जाता हूँ इधर उधर देख के ट्रेन नहीं आ रहा है. क्योंकि सेफ्टी इज द फर्स्ट इशू. सेफ्टी मेजरमेंट को ख्याल रखते हुए क्रॉस करने के बाद चलिए आप लोगों के साथ बात करते हैं. तो दोस्तों, पीछे आप देख सकते हो मेरा ट्रेन भी आ चुका है ऑलमोस्ट. इसी ट्रेन से जाना है घर. 15 से 20 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स ट्रेन स्टेशन में. यस, प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा लोग हैं, पर मैं थोड़ा सा खाली खाली कंपार्टमेंट रुकना चाहता हूँ, बिकॉज ट्रेन में चढ़ कर भी आप लोगों के साथ बात करना है. और एक्चुअली संडे में ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है यूजुअली, बट अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, संडे में लोग थोड़ा सा आउटिंग माउटिंग में जा रहे हैं, छुट्टी का दिन घूमने जाते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर. तो इसीलिए पीपल
तो संडे की टाइम में भी ट्रेन बस थोड़ा सा क्राउडेड होता है, एक सौ भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलिए बैठ चढ़ जाते हैं। सो दोस्तों, एज आई जस्ट गॉट डन फ्रॉम द ट्रेन एंड ट्रस्ट मी, ट्रेन के अंदर आई वॉज जस्ट सैंडविच। इट वॉज आज बहुत खतरनाक सा भीड़ था, पता नहीं क्यों। एक्चुअली संडे यूजली इतना भीड़ नहीं होता, मैं हर संडे आता हूँ वैसे ही ट्रेन टाइम में, बट यूजली बहुत ही खाली खाली रहता है, बट आज क्या है पता नहीं। और थोड़ा सा पता नहीं, टिकट कलेक्टर, दो तीन टिकट कलेक्टर भी हम लोग के कंपार्टमेंट में चढ़ा था, उसलिए लोगों के बेस में थोड़ा सा भाग दौड़, जिन लोगों के पास टिकट नहीं था उन लोगों के बीच में थोड़ा सा भाग दौड़ हो रहा था। बट फॉर्चुनेटली यू कैन सी दैट मेरे पास है ये टिकट, इंडियन टिकट। सो एक्चुअली मुझको देख ही कैमरा है मेरा, देख कर लोग सोचा कोई प्रेस का आदमी हूँ, इसीलिए डिडंट आस्क द टिकट फ्रॉम मी, बट पूछ लेता तो दिखा देता। एक्चुअली कभी भी टिकट ऐसे नहीं पूछते हैं, दे डोंट आस्क। जब आप टिकट खरीदते हो, जब आप टिकट नहीं खरीदते हो, सीइंग योर एटीट्यूड, सीइंग योर एक्सप्रेशन, वो लोग झट से पकड़ लेते हैं कि दैट आपके पास टिकट नहीं है। तो दोस्तों, घर में मैं वापस आ चुका हूँ और अभी टाइम है फॉर द ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट का टाइम थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल का डिस्प्ले ऑन कर दे। यस, लुक एट द टाइम, यहाँ पर कितना लिखा है, 12:43, मीन्स ऑलमोस्ट क्वार्टर टू एक है। एक बजे के आसपास मैं अभी कर रहा हूँ मेरा ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला ब्रेकफास्ट। ऐसा ही मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं दिखाया था, ये पूरा सब्जी का एक पूरा बॉयल है एंड इट इज़ वेरी मच गुड फॉर हेल्थ। तो इसलिए हर दिन मैं ब्रेकफास्ट में ये खाता हूँ, दैट इज सब्जी बॉयल। बट ये इसका जो स्वाद है, ट्रस्ट मी, इट्स सो, यू नो, सो पैथेटिक। ऑलमोस्ट सुबह का मेरा ट्रेन का सफ़र, कैसे ट्रेन में व्लॉग किया जाता है, कैसे पब्लिक के सामने मैंने बात किया एंड उसका रिएक्शन। ट्रस्ट मी, आज आई हैव एंजॉयड अ लॉट। एक्चुअली व्लॉगिंग करने का जो पहला चीज़ है, कितना व्यू मिल रहा है, कितना लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। थिंग इज दैट आप कितना व्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। ट्रस्ट मी, आज ऐसे हज़ारों लोगों के बीच में, ट्रेन के एकदम सेंटर में, सभी के बीच में बैठ कर बातें करना आप लोगों के साथ, इट इज समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो घर में बैठकर तो आसानी से कोई बात कर सकते, दैट आई कैन डू इन अ ग्रुप, दोस्तों के साथ जाकर भी आप बात कर सकते हो, यू कैन मेक फन। बट अकेले व्हाइल यू आर ट्रेवलिंग अलोन, अकेले ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पब्लिकली बातें करने के लिए बहुत जिगर चाहिए, एंड आई थिंक दैट आई हैव बिट ऑफ कॉन्फिडेंस टू टॉक, यू नो, इन फ्रंट ऑफ द पीपल। सो दोस्तों, इसका कोई ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, सिंपल चीज़ है, प्रैक्टिस। आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस बहुत किया, अभी भी कर रहा हूँ, और भी बहुत कुछ सीखना है व्लॉगिंग के बारे में। बिकॉज एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अभी जो मेरा डेली लाइफ स्टाइल जो व्लॉग हो रहा है, उसका वॉच टाइम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज आई हैव सीन इन द डेटा, इन द एनालिटिक्स, दैट इज द यूजुअली पहले जो होता था डेढ़ मिनट दो मिनट का वॉच टाइम आता था, बट अभी वॉच टाइम आ रहा है 3 मिनट, 3.5 मिनट, किसी वीडियो का तो 4 मिनट भी आ रहा है। सो आई कैन से इट्स क्वाइट सक्सेसफुल व्लॉग। 4 मिनट 3 मिनट कोई वीडियो अगर व्लॉगिंग देख रहा है अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो मीन्स दैट यू हैव समथिंग दैट यू कैन शेयर एंड पीपल आर एंजॉइंग लिटरली। सो ये था पूरा, ऑलरेडी शाम हो चुका है, घर में आने के बाद आई हैड सम वर्क, सो आई कुडंट डू एनी मोर शूट वीडियोज एंड ऑल। तो शाम के ऑलरेडी 7 बज चुके हैं एंड हैविंग माई इवनिंग कॉफी, अभी करते कॉफ़ी पीते सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात करके इसके एक्सपीरियंस का पूरा समराइज करके बता दूं और ब्लॉग को एवर खत्म करते हैं। तो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग।